खगापुर विधानसभा में भंडारे के पैसे नहीं देने पर महिलाओं ने थाने में दिया आवेदन। सिद्ध बाबा स्थान पर कराया जा रहा था धार्मिक आयोजन। धार्मिक आयोजन में खाना न बनाने वाली महिलाओं को नहीं दिए पैसे। पवई में सर्वेश्वर धाम बिरसिंहपुर में हुआ बसंत पंचमी पर मेले का आयोजन। 132 वर्षों से किया जा रहा आयोजित श्री शिव कथा रामलीला रामचरितमानस मार्ग के साथ टूर्नामेंट की धूम। श्रीनगर में कमलेश्वर मंदिर में अनोखी पूजा का आयोजन। शिवलिंग का होता है घी से श्रृंगार। भगवान शिव को ध्यान मुद्रा से जगाने के लिए किया जाता है कृत कमल का अनुष्ठान। अहमदनगर के अपराध जांच विभाग की कार्रवाई से गांव में कट्टे बेचने वाले बीड जिले के सराय संचालक को जेल भेजा। 1,13,000 रुपए मूल्य के 3 नकली कट्टा और 12 जिंदा कारतूस बरामद। बुरहानपुर जिले सहित पूरे प्रदेश भर में अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ ने अजाक्स के तत्वाधान में 25 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील कार्यालय के बाहर बैठकर धरना आंदोलन किया। बुरहानपुर जिले में हल्दी की खेती में किसानों का बड़ा रुझान। कम लागत में ज्यादा फायदा देती है फसल। प्रति एकड़ 7 क्विंटल बोई जाती है। ककराला में युवक का शव मिलने से क्षेत्र में मची सनसनी। युवक की मौत में परिवार में मचा कोहराम। परिवार जनों ने लगाया हत्या कर शव नाले में फेंकने का आरोप। बुरहानपुर जिले के नेपानगर में आयुष मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। 314 मरीजों का किया गया उपचार। एकता नगर सामाजिक विकास समिति के सहयोग से आयोजन। हरदोई में फेसबुक पर बाइक बेचने के नाम पर 17 वर्षीय किशोर से 29,000 रुपए की ठगी। आकाश राठौर ने हरदोई के साइबर सेल में दी तहरीर। साइबर ठग पर कार्रवाई की मांग की। लखनऊ में हरियाणा से 400 पेटी अवैध शराब लेकर बिहार जा रहे ट्रक को क्राइम ब्रांच व बीकेटी पुलिस की टीम ने पकड़ा। ट्रक चालक न्यू बस्ती अग्रवाल मोहल्ला कोतवाली मैनपुरी निवासी था। सिवनी लखनादौन में मां नर्मदा जन्मोत्सव पर मां नर्मदा की गई पूजा। विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ रही। ग्वालियर में ज्वेलर के घर लोकायुक्त का छापा। मुरैना जेल में पदस्थ ज्वेलर हरिओम शर्मा के घर छापा। आय से अधिक संपत्ति का मामला। श्रीनगर में 9 सालों के इंतजार के बाद रक्षक देवी मां धारी देवी अपने मूल स्थान पर विराजमान। विधि विधान मंत्रोच्चारण के साथ विराजमान। खरगापुर विधानसभा में क्षत्रिय खंगार समाज ने मनाया मेदनी अराय खंगार का बलिदान दिवस। समाज चंडिका देवी मंदिर में मनाया बलिदान दिवस। बरेली में उत्साहपूर्वक मनाई गई मां नर्मदा जयंती। चुनरी यात्रा के साथ नर्मदा तट पर हुए भंडारे। चुनरी यात्रा में आकर्षण का केंद्र है नृत्य करते घोड़े। बेमेतरा के खमहिरिया नगर में सोने मकान से करीब 8,00,000 की चोरी। वार्ड क्रमांक 10 में मकान से करीब 10 तोला सोना और चांदी के जेवरात चोरी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बुरहानपुर के प्राचीन 188 साल पुराने स्वामी नारायण मंदिर में भगवान हरिकृष्ण महाराज का पाठोत्सव मनाया गया। भगवान स्वामी नारायण को 56 भोग लगाकर किया गया प्रसन्न। पौड़ी में देवभूमि उत्तराखंड की अधिष्ठात्री मां धारी देवी की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मां धारी देवी मंदिर पहुंचकर की पूजा अर्चना। शाहपुरा में नर्मदा जयंती पर घाटों पर लगी भक्तों की भीड़। शाहपुरा नगर एवं कई गांव से बरम बाबा समिति द्वारा निकाली गई मां नर्मदा की चुनरी यात्रा। हंडिया में नर्मदा जयंती महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तटों पर जगह जगह भंडारे का आयोजन हुआ। कृषि मंत्री ने मां नर्मदा को अर्पण की 500 मीटर चुनरी। जसपुर में बाल संघ पद संचालन रैली निकली। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में सुभाष चंद्र चौक से पद संचालन रैली का शुभारंभ हुआ। रैली का संचालन नगर कारवा जितेंद्र कुमार ने किया। बुरहानपुर में बसंत पंचमी के अवसर पर ग्राम पंचायत मोहम्मदपुरा में छकड़ा रेस का हुआ आयोजन। रेस में 100 से अधिक बैल जोड़ियों ने लिया हिस्सा। हरिद्वार में उत्तराखंड जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन शपथ ग्रहण समारोह। महिला शक्ति सहित कई सदस्यों ने शपथ ग्रहण में लिया हिस्सा। प्रांतीय अध्यक्ष के डी जोशी रहे उपस्थित। बालोद जिले में 2 दिवसीय संत कबीर सत्संग का आयोजन। कबीर सत्संग समारोह में पहुंचे सांसद। इस दौरान भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया गया। रिक्शा चालक पर चप्पल बरसाती महिला का वीडियो हुआ वायरल। महिला के आगे गरीब को बचाने में लाचार नजर आया खाकीधारी।